माथे पे सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, माला, फेरे और सात वचन। कराची के रेलवे ग्राउंड में सजी हिंदू बिरादरी के 79 जोड़ों की शादी की तकरीब। हिंदू काउंसिल के तहत तकरीब में दुल्हा दुल्हन तो खुश थे ही, शुरका ने भी खूब खुशी का इजहार किया। मेरी 2011 में शादी हुई थी और बहुत अच्छा, और मैं बहुत हैप्पी हूँ। और मेरे जेठ की बेटी की भी आज शादी है। प्रोग्राम हुआ है कंबाइंड मैरिजेस का, जो मुस्तैक घराने हैं, जो मुस्तैक बच्चियां हैं, उनकी शादियां हम करवाते हैं। ये 2006 से ये कार्य चल रहा है और ये तकरीबन 1100 शादियां आज कंप्लीट होंगी। शादी के बंधन में बंधने वाले जोड़ों को 1-1 लाख रुपए का जहेज भी दिया गया। हिंदू काउंसिल के सरपरस्त आला डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा कि मुकम्मल आजादी के साथ खुशियां मनाते और इसका इजहार भी करते हैं। एक बच्ची की शादी भी हमारे धर्म में और मजहब में इम्पोर्टेंस रखती है, और यहाँ पे 100-100 बच्चियों की शादियों का अगर मुझे ये माँ बाप 200 खानदान मुझे हक दें कि आप बाप बन के कराएं, मेरे लिए इससे ज्यादा कोई बात नहीं हो सकती है। हिंदू काउंसिल के सरपरस्त आला डॉक्टर रमेश कुमार ने इस अज्म का इजहार किया कि वो कई साल से जारी इस इज्तमाई शादियों के सिलसिले को मुस्तकबिल में भी जारी रखेंगे। फरहान इलियास, जियो न्यूज़, कराची।